हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक अनुभवी सिविल इंजीनियर, लगभग 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 बाई 30 फीट के अंदर 1 BHK पोर्शन घर का जो है नक्शा दिखाना चाहता हूँ। और हमारे देखिएगा, हमारे सर्विस में जो है प्लान मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट आता है 3D कट सेक्शन। ये जो प्लान 3D में बनाने के बाद किस तरह से दिखाई देता, एक डाउट रहता है ना, सो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको लेना पड़ता है 3D कट सेक्शन। एंड उसी के अलावा जो है फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन एक ज़रूरी है। तो सभी का अलग अलग फीस रहता है, डिपेंड ऑन प्लान साइज़, प्लॉट साइज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटर लाइन प्लान एक अलग फीस रहता है। एंड स्ट्रक्चरल RCC डिटेल्स ये ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो जब आप सेंटरिंग का काम करते देखो उस वक्त आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यार हमारा जो रॉड बेंडिंग है वो सही है या नहीं। सो RCC स्ट्रक्चरल डिटेल्स एक ज़रूर लीजिएगा। तो इन सब सर्विस अगर आपको चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर 8095615113 ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ओके, स्वल्प वेट मत, सो मेरा मोबाइल नंबर उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड ये मेरा व्हाट्सअप है, या फिर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको प्लान चाहिए। तो मैं आपको 15 बाई 30 फीट का प्लान दिखाता हूँ, लेट्स सी। और प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ये सब मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे, देखो ये प्लान है। ओके, ये मेरा मोबाइल नंबर है, 80 दिखाई दे रहा ना आप लोगों को, 8095615113। इस पर आप लोग 8095615113 इस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस प्लान के बारे में मैं विस्तार में बताता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट कैसा है, मेन चीज़ क्या रहता है दोस्तों, छोटा प्लॉट में क्या प्रॉब्लम है मेन बोले तो, इसका साइज़ ऐसा, ये विड्थ में कम है, लेंथ में ज़्यादा है। और इसके अलावा तो ये रोड था, रोड से एंटर करें आप, ये एंट्रेंस मिल जाता छोटा सा, एक प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो है ना कट्टा आता है, ऐसा कट्टा, अब घर के अंदर चढ़ाई करने में कट्टा आता है ना, वो थोड़ा जगह ले लेता, सिर्फ आप दो बाइक ऐसा कुछ पार्क कर सकते हैं। छोटा सा सेपरेट टैंक बनाना पड़ता आपको, ज़्यादा सेपरेट टैंक नहीं, बोरवेल मारना है तो भी इसी के अंदर बोरवेल मार लीजिएगा, कुआ खोदना है तो भी इसी के अंदर। ओके, दो बॉक्स वाला सेपरेट टैंक बनाना पड़ता है, जस्ट सिंपल, क्यों बोले तो आपके पास प्लॉट ही छोटा है। तो यहाँ से एंटर करें, एंटर करते हैं आपको जो है ना एक हॉल मिल जाता है, तो हॉल सफिशियंट है, 14 बाई 8 फीट है। यहाँ पर सोफा सेट रख के इधर टीवी रख सकते हैं, या फिर इधर सोफा सेट रख के ना यहाँ पर टीवी रख सकते हैं, प्लेन बना लो ऐसा, टीवी सेट वो सब ज़रूरी नहीं है, छोटा है प्लॉट। उसके बाद इधर जो है आपका टॉयलेट रूम आता, कॉमन जनरल टॉयलेट रूम, 3 6 बाई 8 फीट में। ओके, इसका पाइपलाइनिंग का सिस्टम जो है ऐसे ही लेकर जाना पड़ता है, इसके क्यों बोले तो ऑफसेट नहीं, अगर आप ऑफसेट छोड़े तो जगह चले जाएगा, बट इसको भी वेंटिलेशन का एक ध्यान रखिए, समझो कंपलसरी इसको वेंटिलेशन तो देना ही पड़ता है ना। सो उसके लिए जो है अपन थोड़ी सी जगह दी गई है वेंटिलेशन के लिए, खासकर वेंटिलेशन का भी अपन ध्यान रख। मेरा ओपिनियन है, जब भी आप घर बनाते हैं कंपलसरी ऑफसेट एरिया दीजिएगा, इधर 2 फीट है, सो इसके लिए भी बेडरूम के लिए भी ऑफसेट वेंटिलेशन मिल जाएगा, और कॉमन टॉयलेट बाथ के लिए वेंटिलेशन। फिर उसके बाद यहाँ एंटर करें हॉल, हॉल तो बताए, इसके बाद यहाँ पर आता है किचन, 7 बाई 5 फीट, छोटी जगह है, उसके अंदर आप पूजा रूम क्यों बनाते हैं यार, उसके अंदर पूजा रूम मत बनाओ दोस्तों, मेरा एक ओपिनियन है, छोटा सा चुप किधर तो एक बना के उधर ही पूजा कर लो बस, उतना ही ज़रूरी है, पूजा रूम सेपरेट बनाए समझो दिक्कत होता। सिर्फ 2 फीट का पूजा रूम बनाओ, 2 बाई 2 का पूजा रूम बना लो, सबसे बेस्ट। स्टेयरकेस अब देखिए, मेन सबसे दिक्कत आता स्टेयरकेस में। ओके, यहाँ से अगर आप चढ़ाई करें तो ये इसका राइजर का हाइट जो है ना कम से कम 8 इंच या फिर 7 इंच रखना ही पड़ता, तभी आप लोग घर मान सकते, और छोटे छोटे स्टेप्स लेना पड़ता है। एंड कंपलसरी यहाँ पर भी स्टेप्स लीजिएगा ज़रूर, क्यों बोले तो इधर जगह काफ़ी कम बचता है, इसी के अंदर आपको एडजस्ट करना है, क्यों बोले तो आपके पास प्लॉट छोटा है। तो इन सब ये तो मैं बताया हूँ, एंड कुल मिलाकर इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वही 4-5 लाख का एक हिसाब है। कॉलम साइज़ जो है ना 9 बाई 18 इंच का लिया गया, या फिर 9 बाई 15 इंच भी चल जाता, आप फ्यूचर में जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते इसके अंदर, बिकॉज प्लॉट जो है रोड साइड है, किराए आने का चांसेस रहता ऐसा। और तो ये सब डिटेल हो गया, थैंक यू सो मच। और मैं अगर आपको प्लान चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर लो 8095615113 पर।